जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, रविंद्र सिंह शेखावत। आज सबसे पहले मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूं। ये रिकॉर्डिंग है एक कंपनी कमांडर महोदय की, सीओ के साथ इनकी बात हो रही है और इनको कहा जा रहा है कि आप अपना चार्ज हैंड ओवर कर दो। इसका कारण क्या था कि ये जवानों का पक्ष ले रहे थे। इनके पास 25 जवान हैं और इनको बाई ऑर्डर आईजी ने, आईजी के आदेश बताकर 25 जवानों को लेकर भेजा जा रहा था अंबुश के लिए। जो रूट मार्च बना हुआ है वो 14 किलोमीटर का था और जवानों की नफरी उसमें, जो प्लान है उसमें 52 की दी हुई है, बट इनके पास जवान है 25। इन्होंने मना कर दिया कि सर आई विल नो अंबुश, मैं 25 जवानों को लेकर अंबुश में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे एक और पुलवामा नहीं बनाना है। नस्ली इलाके में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि सीआरपीएफ के कितने जवान खत्म हुए हैं और आए दिन वहां कहीं आईडी ब्लास्ट तो कहीं और मामले सामने आ रहे हैं। तो ये सब मना करने के बाद इनके साथ क्या घटना घटी, जवानों का इन्होंने पक्ष लिया। पहले तो मैं बता दूं कि बहुत कम खानदानी अफसर बचे हैं कि जो जवानों के लिए जान देने के लिए तैयार है या जवानों का कुछ भला सोचते हैं, और आज ऐसे अफसर को अभी हैंड ओवर चार्ज के लिए बोला गया है। हो सकता है कि उस पर और भी कुछ कार्रवाई हो। इनकी चार रिकॉर्डिंग है, सीओ से, टूआईसी से, आईजी से, जिससे भी इन्होंने बात की है वो मैं रिकॉर्डिंग आपको इसमें सुनाऊंगा। सबसे पहले एक पहली रिकॉर्डिंग सुनो, उसके बाद। हेलो जैन सर। हाँ जैन बोलो। हाँ सर, आपने कॉल किया था। कॉल किया था हाँ सर। इमीडिएटली अभी रवि को, इंस्पेक्टर रवि है ना, उसको चार्ज हैंड ओवर कर दो। सर उसमें तो चार्ज कंपनी में का टाइम, चार्ज अभी इमीडिएटली हैंड ओवर कर दो। हाँ सर अभी ऐसे कैसे कर दूंगा, चार्ज हैंडलिंग में तो टाइम लगेगा ना। टाइम लगेगा, जितना टाइम लेना है ले लो, सर अभी इसमें 10-15 दिन का इमीडिएटली टाइम हैंड ओवर लग कर जाएगा। दो। नॉर्मली कोर्स में 10 से 15 दिन का टाइम लग जाएगा, सारी चीजें निकालूंगा तो। सर तुमको कितना टाइम लगा था हैंड टेक ओवर करने के लिए? तुम वो तो उस कमांडर ने दे दिया। सर हैंड ओवर कर दो भाई, मैं कैसे कर दूंगा सामने। ठीक मैं सिग्नल दे रहा हूं, नहीं करना है मत करना, ठीक है सर, आप है? सिग्नल भेज दीजिए। ठीक मैं सिग्नल अभी दे रहा हूं। है सर। जैन सर, हेलो हेलो जैन सर। हाँ बहन। सर मेरे पास ये अभी एक प्लान आया है एम्बुश का। हाँ ये सर ये पूरा इनका जांगला से बरदेला तक का है हाँ और अब से जांगला 14 किलोमीटर का है सर ये, अभी हाँ 2:30 बजे से। सर इसमें लिखा है ऑफ डिस्टेंस 52 लेके जाने हैं मेरे को। रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी और मुझे लगता है जो भी सेना के जवान हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के हैं, सभी इस रिकॉर्डिंग को सुनकर समझ सकते हैं कि इनमें क्या वार्ता हो रही है। मुझे उसको घुमा फिराकर बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन्होंने अंबुश में जाने के लिए मना किया और बहुत सी इनके साथ वाद विवाद हुआ है। इस वजह से इनके सीईओ साहब इनको कह रहे हैं कि अब चार्ज टेक ओवर करो, हैंड ओवर करो। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूं। आपको इनकी बाकी चार रिकॉर्डिंग दिखाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हम लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे थे इतने दिन से, वो सारी चीजें अगली रिकॉर्डिंग में आपको मैं सुनाऊंगा। कंपनी कमांडर महोदय ने खुद इस बात को सीओ को और टूआईसी को, इनको बताया है कि सर सारी की सारी नफरी हेडक्वार्टर में लेकर बैठे हो। सीओ टूआईसी का काम ग्राउंड पर सिर्फ कागजों में भर दिया जाता है कि ग्राउंड पर वो घूम रहे हैं, ग्राउंड पर आ रहे हैं, लेकिन वो आते नहीं हैं। सारा जो कंपनी बैठी है, चाहे वो अल्फा डेल्टा जो भी इन्होंने बताया है, सारी जो कंपनी डिप्लॉय है, वो कंपनी और कंपनी कमांडर सिर्फ जवानों के साथ रहते हैं और वही सारी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती है। इस सिलसिले में जब भी कुछ
कोई नफरी चाहिए या कोई अंबुश पेट्रोलिंग एडी सारी चीजें आरोपी जो भी करनी पड़ती हैं कम जवानों को करनी पड़ती है, क्योंकि हेडक्वार्टर में ये जवान लेकर बैठे हैं, दो दो तीन तीन इनके सहायक हैं, कोई इनके निजी कामों में है, कोई इनकी घरों में नस्ली इलाके में बैठा है, कोई आरआर हो चाहे अपना सेना की जेएनके में और वो दिल्ली में बूट पॉलिश कर रहा है, वो वहां का अलाउंस ले रहा है, जवान खुश है क्योंकि अलाउंस मिल रहा है और इनके घरों में सहायक मिल रहा है, तो नफरी कहीं ना कहीं कम है। यहां तक कि एक रिकॉर्डिंग में साहब ने कहा है कि सर मेरे 5 जवान बीमार हैं, मेरे पास इतने कम जवान है, मैं कैसे जाऊं, बीमार को कैसे लेके जाऊं। तो वहां से 2IC महोदय कह रहे हैं कि बीमारों को आप इसमें मोर्चे में ड्यूटी लगा दो, बाकी को लेकर चले जाओ। अब आप ये सोचो कि बीमार आदमी अगर ड्यूटी करेगा या अंबुश में जाएगा तो पुलवामा की तरह घटना घटेगी या नहीं घटेगी। कैंपों में आए दिन आप देखते हो छत्तीसगढ़ में इनमें हमले हो रहे हैं नस्लियों के, उनका कारण क्या है? ऐसे ही हरामखोर अफसर, ऐसे ही 2IC और CO जो अपने सहायकों को या जो दिल्ली में या अपने घरों में जो बैठा रखे उनको नहीं निकालेंगे। और इनके और चमचे कमचे कुछ और होते हैं, कहीं RP सेक्शन बना दिया, कहीं इनके चूलों खोरों की एक गैंग होती है, वो कहीं ड्यूटी में नहीं जाते, वो हेडक्वार्टर में बैठे रहते हैं, सिर्फ चमचागिरी और लेके, यानी बीमार जवान ड्यूटी दे देगा, 25 जवानों से 52 का काम हो जाएगा, लेकिन ये लोग अपनी नफरी नहीं हिलाएंगे। ये सारी रिकॉर्डिंग आज तक मैं कहते आ रहा था आप लोगों के सामने कि भाई ये चीज होती है, इनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज ये कंपनी कमांडर महोदय कह रहे हैं, और इन्होंने हमारा साथ दिया है तो हो सकता है इनका भी घुमा फिरा के ये लोग, हो सकता है कोर्ट मार्शल भी कर दे, इनको घर भेज दें, हो सकता है इनको गोली भी मरवा दी जाए। इसी सिलसिले में सबसे पहले रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले मैं एक बार फिर बता देता हूं कि मैंने 2 वीडियो में भी लगातार बताया भी है, रविंद्र फौजी के नाम से जो नहीं देख पाए हैं, मैं फिर कहता हूं मेरे से जुड़े हुए जवान, मैं बार बार कहता हूं कि आज 285,000 लोग जुड़े हुए हैं, एक तो बाकी बंदों को जोड़ो, हमारी नफरी बढ़ाओ। अरे हमारी जो आर्मी एयरफोर्स नेवी इसी की नफरी कितनी है सबको पता है, उसके बाद में अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स ये चीजें लगाएंगे तो हमारे जवानों की नफरी कितनी है, और हमारे से सिर्फ अभी इतने लोग जुड़े हैं और उसमें भी सब लोग देख नहीं पा रहे, उसका कहीं ना कहीं कोई कारण है। तो मैं चाहता हूँ लोगों को जोड़ें, कंटिन्यू बीच बीच में आप एक बार निकाल कर देखें रविंद्र फौजी क्या डाल रहा है। हमारे इन डालने का अच्छी वीडियो डालने का मकसद आगे जो हम कर रहे हैं, मैंने सबको बता दिया कि हम जल्दी ही दिल्ली में धरना दे रहे हैं, हो सकता है अगस्त में सितंबर में जो भी हमें डेट मिलेगी वो सबको बता दी जाएगी, और लोगों से भी हमें पूछ रहे हैं कि आप अपने हिसाब से टाइम बताओ, जितने भी रिटायर्ड जवान हैं वो वहां पहुंच सकते हैं, वो अपने हिसाब से टाइम बताओ। धरना हम क्यों दे रहे हैं वो मैंने पहले वीडियो में बताया, एक बार फिर भी बता देता हूं कि सहायक सिस्टम बंद करना, निजी कामों में जैसे ये लोग जवानों को लेकर बैठे हैं वो बंद करना, इसी के अंदर जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन की मांग, उनका शहीद का दर्जा, उन्हें ऑल फैसिलिटी जो सेना को मिलती है वो दी जाए, ऐसे बहुत से मुद्दों को लेकर हम दिल्ली में दोबारा धरना देंगे। 3 साल पहले मैंने धरना दिया था, उसके बाद एक बार फिर दिया था, तब हमारे जनरल साहब ने कहा भी था कि हम ये चीजें बंद कर देंगे, लेकिन वो सोचे कि बस ठंडे बस्ते में ये चीजें डल चुकी हैं, इसलिए वो अभी पेंडिंग पड़ी है। एक बार दोबारा हमें इन चीजों की हलचल करनी होगी, और उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में हम इन चीजों की याचिका भी डाल रहे हैं, और तो 3 दिन से लगाकर 7 दिन का धरना भी दे रहे हैं। इसके लिए मैंने अपने पहले वीडियो में भी अकाउंट नंबर पेटीएम नंबर दिए थे, आज भी दे रहा हूं। जिन जवानों को लगता है 3 दिन हो गए मुझे अकाउंट नंबर देते हुए, सिर्फ एक जवान रणधीर सिंह जिन्होंने 1,000 रुपए भेजे, मैं आज ही आपको बता देता हूँ, वो भी अभी मैंने देखा है कुछ देर पहले, पे जो अपना होता है पे ऐप से भेजा है, मेरा जो पेटीएम नंबर है पे नंबर है वो सब सेम है और उसी पर उन्होंने भेजा है। बाकी जवान लिखते बहुत है, हम साथ देंगे, हम आपके साथ हैं, हम पहुंचेंगे, मैं फिर कह रहा हूं जो जवान वहां पहुंचे वो सिर्फ अपना अपना खर्चा वहन कर ले तो मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, मैं अपना खर्चा वहन करके वहां चलूंगा, 3 दिन 7 दिन 6 महीने साल भर अगर बैठना पड़ेगा तो मैं बैठूंगा अपने खर्चे पर, लेकिन बाकी लोग आते हैं या तो वो सब लोग अपने अपने खर्चे पर आए, हमें खर्चे की जरूरत ही ना पड़े, छोटा मोटा खर्चा जरूर होगा तो वहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ जो सिविल पॉपुलेशन है युवा साथी है वो आते हैं तो उन लोगों को हम कैसे खर्चा वहन करें। 3 साल पहले मैं 2 बार धरना दे चुका, लगातार 3 साढ़े 3 साल से जगह जगह घूमकर इन चीज़ों को मैं वीडियो के माध्यम से जा जाकर रक्षा मंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक पहुंच पहुंच कर इनकी शिकायतें पहुंचाना,
तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को हमारी मदद करनी होगी। मैं कह रहा हूं इस तरह के हमारे अगर एक दो और अफसर साहिबान अगर हमारा साथ देना भी चाहते हैं, लेकिन अगर आप इन लोगों की आप मदद नहीं करोगे या इन चीजों को वायरल नहीं करोगे तो ऐसे अफसर को एक दो को फिर सस्पेंड करा दिया जाएगा, फिर मुंह बंद हो जाएगा जवानों का, फिर कोई नहीं बोलेगा। अगर आपके समझ में आ गई हो कहानी तो अपने कमेंट्स में जवाब दो, और जो लिखते हो साथ हैं या करेंगे तो कुछ ना कुछ किसी तरह की या तो इनको पहुंचाओ। कल वो वीडियो डाला है, अभी 3000 लोग यानी जो जुड़े हैं चैनल से, 285000 वो ही लोग नहीं देख पा रहे, तो फिर बाकी तो कहाँ से अब शेयर करोगे, कब पहुंचेगा। इसलिए हम टाइम लंबा लग रहे हैं आगे आंदोलन का और इन चीजों का। तो सबसे पहले मैं फिर कहता हूं बार बार कि इन चीजों को आगे से आगे जितने आपके पास फेसबुक व्हाट्सएप सब जगह जो ग्रुप हैं उनमें शेयर करो, और जो फाइनेंशियल मदद कर सकता है, जो उनके लिए अकाउंट नंबर है वो फाइनेंशियल मदद करो। जितने अकाउंट नंबर है उसमें सब में नाम मेरा ही रविंद्र सिंह शेखावती नाम है, जिनको नहीं पता, जिनको पता है जुड़े हुए उनको ठीक है। इसलिए और कोई सुझाव है तो वो सुझाव दो, आप लिख तो देते हो हम साथ हैं, लेकिन साथ के साथ कुछ करो, जवानों को जोड़ो कम से कम। ठीक है, जो उन सर्विस आ नहीं सकते वो जवानों को जोड़े, जो और रिटायरमेंट हैं वो कम से कम, जो ठीक है कोई आदमी आकर रिटायर होकर सर्विस कर रहे हैं, बिजी हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की तो मदद करो। किसी अपने भाई को भेजने का इंतजाम करो कि मैं उसको भेजूंगा। ये चीज़ों की आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर कहीं ना कहीं पुलवामा की तरह फिर लोग मरेंगे, फिर जैसे वहाँ सीआरपीएफ के पहले भी कितने 72 है कितने जवान मरे थे, वो कहीं ना कहीं इन्हीं कारणों से हैं। और सबसे बड़ा कारण मैं कह रहा हूँ, अगर सहायक सिस्टम जिस दिन बंद हो गया, फौज की 60% समस्या हल हो जाएंगी, क्योंकि आज 100% में से 40% लोग ही ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, 60% इनके चाहे वो सहायक सिस्टम में, इनके चाहे बूट पुलिस में, इनके घरों में काम, चाहे इनके निजी काम, इनकी टीडियां, इनकी मैम साहबों को घुमाना, इन 60% नफरी सेना की, अर्धसैनिक बलों की या किसी भी डिपार्टमेंट की, यहाँ तक कि सिविल पुलिस की इन अधिकारियों के पास ही लगी हुई है, इनके निजी कामों में लगी हुई है। वो चीज तब सही होंगी जब हम एकजुट होकर और आगे बढ़ेंगे। मैं कई बार सिविल में जो ये संगठन बने हुए इनको भी कहता हूं कि आपने वहां तो ये रैंक लेकर सिर पर बैठे रहते हैं, मनमर्जी चलाते हैं, यहां भी इन्होंने जो संगठन बनाए हैं, जितने भी संगठन बने हैं सारे के सारों में इनको किसी ने जनरल को किसी कर्नल को बना दिया, और वो लोग सारे के सारे अपने फायदे ले जाते हैं। जो पुराने लोग जब तक चेंज नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी पुराने थे वो इनको भगवान मान रहे थे और वो आज भी भगवान मानते हैं, वो बदलेंगे नहीं। अगर हम किसी अफसर के खिलाफ बोलते हैं तो बोलते हैं अरे नहीं 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 तुम्हारी तो पेंशन बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी, अफसर तो भगवान है। और मैंने बहुत बार कहा है कि एक जवान से लगाकर जनरल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नौकर हैं, और ये लोकतंत्र देश है, इसमें सबको अपने बात रखने का अधिकार है, और कोई भी किसी का बॉस नहीं है, ना कोई किसी का मालिक है, सबको अपनी अपनी ड्यूटियां हैं। इनको भी हमारे जवानों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनके लिए रखा जाता है, लेकिन ये लोग उसका जो अंग्रेजों के रूल हैं पुराने उनका फायदा उठाकर, और उन रूलों से आधे तो रूल जवानों को पता ही नहीं है, हर साइड में लोग रेजिमेंट फंड को क्या क्या चीज को खा रहे हैं किसी को पता नहीं है। किसी को छोटा मोटा होता भी है तो उसको किसी न किसी रूल में फंसा कर इतना दबा देते हैं कि जवान मुंह नहीं खोल पाता। तो उन सबके लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं इन चीजों को उजागर करने के लिए, काले कानून अंग्रेजों के खत्म करने के लिए, उसमें दिल्ली में हमारे साथ जरूर पहुंचे। रही बात आज कंपनी कमांडर साहब की, मैंने एक रिकॉर्डिंग इसमें डाल दी है, ये वीडियो 10 या 12 मिनट का हो चुका है। मुझे पता है हमारे फौजी जवान और ये ड्यूटियां कर कर के इनके पास टाइम नहीं रहता है, और टाइम रहता भी है तो क्या कौन क्या देखता है, यहाँ तक कि मेरे पास ही लोग क्या क्या भेजते रहते हैं। मैं कई बार मना भी कर चुका हूँ कि मुझे सर कैसे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये नहीं चाहिए, ना गुड मॉर्निंग चाहिए, मेरे पास काम के वीडियो, काम के मैसेज, ऐसी चीज भेजो ताकि हम इन चीज़ों को बदल सकें। वीडियो लंबा हो चुका है, एक रिकॉर्डिंग आप कहोगे तो इसमें डालूंगा, नहीं तो मैं इसी चैनल में रविंद्र फौजी के नाम से इसी चैनल के अंदर वो 4 रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, एक इसमें भी डाल दूंगा, मेरे को पता है, लेकिन इसमें क्योंकि फुर्सत नहीं है कि 10 मिनट के बाद लोग सुन पाएंगे, फिर भी मैं इसमें डाल दूंगा, एक चारों नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि वीडियो 20 मिनट से भी ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट अभी जस्ट आज ही वो चारों की चारों और वीडियो जोड़कर वो डाल दूंगा, उनको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तब जाकर उस अफसर को भी इंसाफ मिलेगा, जवानों को भी इंसाफ मिलेगा, और आगे भी कोई ना कोई हमारी मदद के लिए आएगा। समझ गए होगे जितने भी जवान हैं। फिर कहता हूँ जो जुड़े हुए हैं, जिन भाइयों को सोशल साइट का या यूट्यूब का नॉलेज है,
अपने बाकी जवानों को भी दिखाया करो, उनको भी बताया करो कि भाई ये चीजें हो रही हैं। इससे जुड़ने का तरीका, मैंने मैंने लोगों को कभी नहीं कहा कि आप सब्सक्राइबर करो फलाना करो, लेकिन कभी ना कभी किसी वीडियो में बोलना पड़ता है तो वो जो साइड में आप यूट्यूब चलाते हो तो चैनल आता है तो उसके नीचे लिखा होता है सब्सक्राइबर का बटन, वो दबा दो, एक घंटी का बटन आता है वो दबा लो ताकि जुड़ जाओ और आपके पास नोटिफिकेशन आता है। जब यूट्यूब आप खोलते हो तो इसमें नीचे लिखा आता है होम, सब्सक्राइबर, ट्रेंडिंग, ये सारी चीज़, तो अपना जो मैसेज आता है या नोटिफिकेशन पर टिक करोगे तो उसमें देखोगे तो आपके पास वो वीडियो पहुंचेंगे, उनको खोल कर देख लिया करो। और एक चीज़ और कहता हूँ कि एक ट्रेंडिंग आता है, ट्रेंडिंग में आप टिक करके और फिर रविंद्र फौजी सर्च मारो ताकि वो वीडियो ट्रेंड हो और लोगों तक पहुंचे। जितने जब ये वायरल होंगे तब जितने वायरल होंगे सरकार की नज़र में उतनी जल्दी जाएंगे और ये चीज़ उतनी ठीक होंगी। बाकी हम कर ही रहे हैं दिल्ली में धरना, एक रिकॉर्डिंग इसमें डाल रहा हूँ, आगे बाकी रिकॉर्डिंग देखें इसी चैनल में। फिर कहता हूँ रविंद्र फौजी के नाम से सर्च करके जो आइकॉन आता है उसको टच करेंगे और उसमें आप देखोगे लेटेस्ट डाल दिया करो, वो मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय सर। हेलो हेलो जय सर। सर मेरे पास ये अभी एक प्लान आया है एम्बुश का, ये सभी पूरा इनका जांगला से बरदेला तक का है और अब से जांगला 14 किलोमीटर का है सर ये, अभी 2:30 बजे से। सर इसमें लिखा है ऑफ डिस्टेंस 52 लेके जाने हैं मेरे को। क्या जी? सर इसमें लिखा है 52 लेके जाने हैं। जो आप 52 नहीं हो बोल रहे थे, 49 क्यों? 50 जो और है वही करना है, आईजी की तरफ से आए है। हाँ सर मैं बोल तो रहा हूँ ना, 52 है ना ये, और फिलहाल में 52 आ रहा है। तो जितना हो सकता है वो ले जाओ। तो ये सर उस मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास 25 है इस समय। कितना? 25। 25 नहीं, आपको बोल दिया 49 जो वाला हिसाब बताते हैं। सर मेरे 5 बीमार हो गए ना, मेरी मेडिकल टीम मंगाई है अभी, 5 को फीवर है। मेरे को मालूम नहीं, तू ऐसा काम करेगा तो नहीं हो पाएगा। अरे सर मैं क्या काम करूंगा, मेरे पास बीमार यहाँ 5 लोग बीमार हैं, अब उसमें से 5 कम हो गए मेरे, और वो रीइंफोर्समेंट थी पहले। हाँ रीइंफोर्समेंट वाला तो उधर का डेल्टा वालों से आएगा, आप वो तो लिख लिया। ठीक है तो कैसे आ जाएगा सर, डेल्टा तो खुद बाहर है। अरे वही कुछ हो गया तो वही आएगा। अभी सर एसएटी की मैं कौन कौन है उसकी डिटेल दे दीजिए मेरे को। ये तो हम बताएगा तू क्या करना है। सर एसएटी हेडक्वार्टर में एसएटी कमांडर कौन है? अरे तू को क्या करना है भाई। सर अगर जरूरत पड़ेगी तो एसएटी आएगी ना, एसएटी कमांडर कौन है सर, कितनी की नफरी है एसएटी के पास? वो तो आपको लिख के दे दिया चुके। कहाँ दिया मेरे को? क्या सर मेरे पास नहीं आई सर अभी डिटेल। 17 लोग है। कितने कमांडर कौन है सर उसका? अरे तू को छोड़ो यार, तू ऑफ करना नहीं करना है। सर मैं ऑफ कर रहा हूँ, मैं ऑफ करने के लिए तो बना हूँ यहाँ पे, पर जो तुम्हें वो 17 लोग है जाना है। सर ऐसे कौन कौन है सर उसमें, कमांडर कौन है, मैं किसको अप्रोच करूँ उस समय? है उस समय सर मैं किसको अप्रोच करूँ? कंट्रोल रूम को फोन करो। सर कंट्रोल रूम ये कह रहा है मेरे को नहीं पता कौन है। नहीं नहीं वो अपना खुद हो जाएगा। सर कैसे होगा सर, आप मेरे को ये बताओ कैसे होगा। सर ऐसे करो, सर सुनिए ऐसा करो, आप कैंप में आ जाइए अभी। सर आप कैंप में आ जाइए अभी। ये जो आया है तू बोलने से थोड़ी आएगा। अरे सर मेरे को रिक्वायरमेंट है, आप मेरा इसमें मॉनिटरिंग ऑफिसर तो आप हो ना। मॉनिटरिंग तो यहाँ रहेगा ना सर, ऐसे कैसे? सर ग्राउंड से मॉनिटरिंग होगी ना, ऐसे कैसे? 3 कंपनी आपके बाहर है, आप कैसे मॉनिटरिंग कर रहे हो वहाँ से? अरे तीनों कंपनी का है, तीनों कंपनी में कैसे रहूंगा। अरे सर मेरे पास मैं इसको नहीं कर पा रहा ना एग्जीक्यूट, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं ऐसे कैसे 52 लोग कहाँ से लाऊं। अरे तीनों कंपनी का मॉनिटरिंग ऑफिसर मैं हूँ। अरे तो सर तीनों कंपनियों में आप हो, आपकी तीनों कंपनी में से एक इको है, आप मेरे पास अल्फा इधर डेल्टा है, तो आप अल्फा में आके दोनों तरफ का मॉनिटरिंग कर सकते हो यहाँ से। नहीं तो जा रहे तो मॉनिटरिंग याद ही होता है भाई, ये तो आईजी को बता रहे हेडक्वार्टर में रहेगा मॉनिटरिंग ऑफिसर। अरे सर ऐसे थोड़ी होता है हेडक्वार्टर में रहेगा। बिल्कुल रहेगा, हर जगह में ऐसी पूछ लो किसी से, मॉनिटरिंग ऑफिसर विल बी इन हेडक्वार्टर। अरे सर वो ठीक है बट मेरे को ऑफलाइन समझ नहीं आ रहा, मेरे को आपकी गाइडेंस चाहिए, तो आप यहाँ आके मेरे को समझा दीजिए जरा भाई। ऐसा कुछ नहीं है सोलंकी, काम करना है नहीं करना है नहीं। सर मैं काम करने के लिए ही बनाऊँ, बट जो काम सर जो काम एसओपी के तरीके होगा
फिर मैं पंगे नहीं ले रहा हूँ, नुकसान होगा ये समझे। मैं आप ऐसे बता रहे हूँ सर, मैं भी अपना जवानों के हित को देखते हुए बात कर रहा हूँ, मैं अपने जवानों की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ पहले जो होता था वो आपको जो बता सर, मेरे को नहीं पता सर, मेरे को नहीं पता पहले क्या होता था। मैं अकेडमी से नया आया हूँ, सीआईटी से नया आया हूँ, मेरे को जो जो बताया गया मैं वो फॉलो करूंगा। यहाँ पे मेरे को आईजी सर की प्रॉब्लम हो रहे तो भाई ये तो आईजी का ऑर्डर है, आईजी सर मेरे को आईजी सर का ही ऑर्डर है, फॉलो ओनली लॉफुल ऑर्डर, जो आपका रिटर्न में आएगा वो आप फॉलो करो। तो वही तो रिटर्न में दिया, मेरे पास नहीं है ना सर 52, मैंने बोला भाई 25 है, मेरे को 25 का प्लान भेजो, मैं 25 के साथ जाऊंगा, तो मेरे को 52 क्यों बोल रहे हैं, मेरे को 25 का प्लान भेजो। आपको बता दिया, सुधीर को बता दिया रिटर्न में, आप 25 की बात जो बची हुई है 24 है, आपने जो इन्फोर्समेंट वाला है वो ले जाइए। सर मेरे पास सर 5 लोग मेरे बीमार हैं, मैं उनको नहीं ले जा सकता, ठीक है। अब बीमार वाला को इसमें रखो मोटा में, किसमें बीमार आदमी ड्यूटी कैसे करेगा उसको, वो कैसे कंसंट्रेशन करके मोटा ले जाएगा, पहले जाइए बस, ठीक है। क्या सर अभी बाकी की रिकॉर्डिंग मैं अगले नेक्स्ट जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें डाल दूंगा।